कीमती है यार। जो समय को बर्बाद करेगा समय उसको बर्बाद कर देगा। याद रखना। देखिए देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा पाइथागोरस का है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, ओ इज एनी पॉइंट इन साइड द रेक्टेंगल। तो इसमें होता क्या है, बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती क्या होती है, रेक्टेंगल तो बना लेते सब लोग और बी ऐसे मान लेते, डायग्राम ऐसे बना देते हैं देखो ऐसे, और बोलते वो पॉइंट है। गलत, क्योंकि उसने बोला था कि डायगोनल कट रहा है वो पे, तो कहां से डायगोनल वगैरह ला लिया। गलत, ओ इज एनी पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मान लो तुम्हारी मर्जी। चलो यहां मान लिया, ओ एक पॉइंट है अंदर में। प्रूव दैट, टू प्रूव है क्या, टू प्रूव ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। चलिए जिसको ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, करना पड़ेगा क्योंकि तुम देखो ओ बी ओ ए क्यों। ये तो चैट बॉक्स में मेरे को यही डाउट दिख रहा है, तो कहां भेजा है पहले ये तो डिसाइड कर ले, किसके नंबर पे मत नंबर बताओ। नहीं 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 झूठ बोल रहा है, झूठ बोलते हैं। ये 7999 वाला मेरा नंबर है। अच्छा हाँ मतलब बोला ये क्या समझ गए, अभी ये बताएंगे तब आप तुम्हारा लेट कर दो तुम्हें। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ओ बी ओ डी करना कुछ नहीं, यहां से एक लाइन खींच दो टक 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 ऐसा, ओ बी है ना। अच्छा यहां पे कुछ नाम देना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ दे देते हैं, तो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया है, क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी यानी ए डी, ए डी के पैरेलल ई एफ खींच दिए, ठीक है बस कोई दिक्कत नहीं, तीनों पैरेलल हो गया। ये तो पहले से दोनों पैरेलल था, रेक्टेंगल है। अच्छा इसमें ये छोटा वाले को ना रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि हम बनाए इसलिए मेरे को पता है, अब तुम बनाए नहीं होगे तुमको बाद में समझ में आगे करना है, पहले करते हैं। चलो एलएचएस पकड़ लो, ओबी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो ओबी कहां है, ये है ओबी, ओबी स्क्वायर क्या होगा, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पे 90 होता है ना बच्चों, और ये दोनों पैरेलल है तो ये 90 तो ये भी 90, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोलो अल्टरनेट एंगल बोलो जो समझना है समझो, करस्पॉन्डिंग कहीं से भी निकालोगे 90 चाहिएगा, तो ये 90 आ गया। तो यहां पर ओबी ओबी स्क्वायर कितना आएगा, ओबी स्क्वायर आएगा बीई स्क्वायर, ओ ही लिखना चाहिए, अच्छा रहता है। चलो ये ओडी स्क्वायर खोज लो, कहा है ओडी, कहा है ये ओडी, ओडी आएगा बच्चों डी एफ स्क्वायर, बस इसको छोड़ दो कुछ मत करो, नहीं जमेगा ये आगे, बहुत बड़ा हो गया कुछ जम भी नहीं रहा इसमें। अब ये मत करना कि ये प्लस प्लस करके मिला देना, फिर वापस हो जाएगा। अब आर एच एस भी सॉल्व करो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, देखो ओ ए ये है ओ ए, ओ ए क्या आ जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, सही है ना। अच्छा और ओ सी, ओ सी क्या आएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। अब तुम इसको इसको मिला लो, सवाल अपने आप बन क्या हुआ समझ में आ जाएगा, ओ एफ ओ एफ मिल रहा है, ओई ओई मिल रहा है, ए बी और डी एफ सी एफ नहीं मिल रहा, देखो ए बी डी एफ सी एफ ये नहीं मिल रहा है, ये तभी मिलेगा जब ये और ये आपस में क्या हो जाए इक्वल, उसके लिए इस छोटे वाले को क्या प्रूव करना होगा, रेक्टेंगल, जो कि बहुत आसान काम है। कैसे आसान है, देखो चारों एंगल 90 है तो रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ रे, तो लिखो ए ए डी एफ ई इज रेक्टेंगल, हो गया तो फिर क्यों टाइम बर्बाद करा रहे मेरा,
ए डी एफ ई रेक्टेंगल है, कोई बोला क्यों है, तो बताओ ये एंगल 90, ये एंगल 90, उस ये एंगल तो ये भी 90, चारों एंगल 90 तो रेक्टेंगल, उसी तरह ये भी रेक्टेंगल होगा। हाफ मत कर देना क्योंकि मिड पॉइंट नहीं है, कुछ लोग क्या करता है हाफ कर देता है। सिमिलरली इसी तरह से ये भी रेक्टेंगल हुआ, क्या नाम है बी सी एफ ई, तो ये दोनों रेक्टेंगल हुआ। रेक्टेंगल के सामने सामने के साइड क्या होते हैं इक्वल, मतलब कि ए ई इक्वल हो गया। देखो इस रेक्टेंगल से हमको फायदा क्या हुआ, इस रेक्टेंगल से फायदा होगा कि ए ई इक्वल हो गया डी एफ के, इस रेक्टेंगल से। नीचे वाले रेक्टेंगल से क्या फायदा होगा कि बी ई इक्वल हो जाएगा किसके, सी एफ के। चलो अब चेंज करते हैं इसको, इक्वेशन वन मान के रहने दो, कुछ मत करो उसको, इसको चेंज मत करो, इसको कर लो। ए ई के जगह क्या डाल दो, ए ई के जगह क्या डाल देंगे बताइए, तो बन गया ना सवाल, डाल देंगे तो क्या टेंशन है। ए ई के जगह डाल देंगे तो डी एफ, तो डी एफ स्क्वायर, ओ ई को छेड़ो मत, ओ एफ को भी मत छेड़ो, क्यों, ये दोनों सेम टू सेम मिल रहा है। सी एफ बदल दो, सी एफ के जगह क्या डाल देंगे बी ई का स्क्वायर। अब ये हो गया इक्वेशन टू। अब देख लो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से एल एच एस और आर एच एस इक्वल है कि नहीं है, मिला लीजिए आगे पीछे होगा लेकिन इक्वल है कि नहीं है। चलिए एक सवाल पूछा है एक बच्चे ने, क्या सवाल है, बोला ए इज ए एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, कुछ भी पूछ देता है बेचारा, कोई बात नहीं है। एक राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर और यहां पर एन, एन क्यों भाई, एस क्यों नहीं, बोला ए इज एरिया, ए एरिया है ठीक है, B is one of side containing right angle और B कोई भी एक साइड है, कोई भी एक, तो ये मान लिया इन्होंने, अपन भी यही मान लिया। तो टू प्रूव करिए, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड यानी क्यू एन, प्रूव करिए कि क्यू एन का वैल्यू, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस ईच, क्यू एन इक्वल टू टू ए इंटू बी अंडर रूट b का पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर। चलिए तो आपको क्या क्या पता है, एरिया पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट किसको मान लेते हैं pn, pq को। तो देखो यहां से आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो 2a अपॉन बी, बी बेस है ना, तो पी क्यू भी आ गया, इसमें हम इतना कांड क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा तुमको, टू ए अपॉन बी ये आ गया ठीक है, ये साइड पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये भी पता चल सकता ना हाइपोटेनस, समझ रहा, हम तीनों साइड निकालने के चक्कर में लगे और कुछ नहीं, समझ रहा है बच्चों की सिस्टमेटिक बना के दिखा रहे, समझ रहा है क्या, हम पहले एरिया को यूज किए, क्यों एरिया को यूज किए भाई, एरिया को यूज क्यों किए, क्योंकि एरिया तो और कहीं यूज होने वाला है भी नहीं, एरिया तो और कहीं यूज होने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट हम एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, बेस पता था तो हाइट निकाल लिए उससे भाई, हमको ये साइड पता है ये नहीं पता, अब ये डाउट है पी आर, हम देखो पी आर निकाल के रख लेते हैं शायद काम आ जाए, शायद आई एम नॉट श्योर, हमको भी नहीं पता बट हम निकाल लेते हैं कि काम आ जाए, रहने दो बाद में निकाल लेंगे। अब देखो हमको क्यू एन चाहिए, तो क्यू एन चाहिए तो हम क्या सोच रहे थे, ये वाला और ये वाला सिमिलर का कर देते क्या, कर पहले से है, तूने पढ़ा है ना थ्योरम कि ये छोटा वाला और ये छोटा वाला सिमिलर होता है, पढ़े हैं थ्योरम कल ही पढ़ाए थे, एक राइट एंगल में यहां परपेंडिकुलर डालोगे तो सब सिमिलर होते आपस में, ये छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा, दोनों छोटा, कैसे होता है एंगल एंगल से, एक एंगल कॉमन और एक एंगल 90 90, ठीक है, तो उसी रूल से अपन इस छोटे छोटे को सिमिलर कर लेते हैं, शायद बात बन जाए। तो ट्रायंगल पी क्यू एन है, पाइथागोरस से बन रहा है, पाइथागोरस, इसमें ये कहां पता है अपने को छोटा वाला, अच्छा बड़ा वाले से बन जा रहा है क्या, वही तो सोच रहे थे, तो पी आर
हम लोग निकाल रहे थे, शायद उसी से बन रहा है, नहीं तो पाइथागोरस से बन जा रहा बोलते, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसा है। पी आर स्क्वायर पता तो नहीं है अपने को, पी क्यू स्क्वायर पता है कितना है, पी क्यू स्क्वायर यह है 2a अपॉन b का होल स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर पता है कितना है बच्चों, बी स्क्वायर लग रहा है इसे, यार है 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्रॉस कर दो, 4a स्क्वायर प्लस b का पावर 4 हो जाएगा अपॉन b स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, पी आर स्क्वायर, पी आर निकाल लो यहां से, अंडर रूट आ जाएगा 4a का पावर 2 प्लस b का पावर 4 अपॉन b स्क्वायर, अभी b स्क्वायर में से b बाहर आ जाएगा, इस पे रूट रहेंगे, क्लियर है। अब चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेट करो, तो एक बार एरिया ले लेते हैं हाफ इनटू बेस, बेस किसको ले लेते हैं, QR को, और हाइट किसको ले लेते हैं, PQ को, कोई दिक्कत है नहीं, और एक बार ऐसे ले लेते हैं हाफ इनटू बेस, बेस किसको ले लेंगे अभी, PR को, और हाइट किसको ले लेंगे, QN को, क्यों ऐसा कर रहे हैं, QN चाहिए अपने को, हाफ से आप कट गया, अब सब वैल्यू है तुम्हारे पास, है ना रे, QR है कितना है, QR B, PQ है कितना है 2A अपॉन B, B से B मर गया, PR है, PR कहाँ, यह लमसम काम है इसका, देखो 4A स्क्वायर प्लस B का पावर 4 अपॉन B अंडर रूट, QN निकल गया, हो गया कि नहीं, बन गया, फिर नहीं बन रहा है, 2AB डिवाइड करो, यह बन गया बच्चों, चलिए समझ में आ गया क्या किया हमने, ये मेरा मेन इक्वेशन है, देखो यही है, समझदार को इशारा काफी, देखो एरिया एरिया इक्वेट कर दो, काम हो गया, समझ में आया सबको, अच्छा हम जैसा पहले कर रहे थे वैसे भी करके ट्राई करना, बन जाएगा हमारा गेसिंग है ऐसा, तो ये दोनों सिमिलर करना, नाम बड़े ध्यान से लिखना पड़ता, लेकिन पी क्यू एन और फिर यहाँ पर लिखना पड़ता P के बाद Q पे गए, या P N Q लिख लो नाम, यहाँ चालू करना Q N R, फिर सिमिलर करना Q N स्क्वायर आता है, याद है Q N स्क्वायर का वैल्यू आता है समथिंग दिस इनटू दिस, तो उसमें ये वैल्यू डालना Q N निकल जाएगा, देखना ट्राई करके, चलिए तो ये ठीक है, और कोई डाउट है किसी को बोलो, जो ए बी सी है एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए बी, इसमें मीडियन भी है ए बी, मीडियन एंड ये और ये इक्वल, जो साइड ए बी ए सी और मीडियन ए बी, बोला है क्वेश्चन में आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब होता है इक्वल रेशियो, किसके इक्वल है रेस्पेक्टिवली, पी क्यू पी आर और पी एम मीडियम, इस सवाल में तुम्हारे स्कूल में साइड में कंस्ट्रक्शन होता है ऐसे ऐसे ठीक है, चलो रे ये ऐसा है और मीडियन है ये भी, यानी ये और ये इक्वल है, टू प्रूव करना है, क्या टू प्रूव करना है कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, अब सवाल में समस्या क्या होती है, दो साइड है अपने पास ए बी ए सी, एक एंगल का इंतजार है ये बीच वाले, अगर ये एंगल इक्वल आ जाए तो कौन सा रूल लग जाएगा इसमें, एस ए एस, लेकिन एंगल इक्वल ही नहीं है, प्रॉब्लम यहां है, तो हमको ये एंगल इक्वल लाना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल
पी लाना है, लाने की जरूरत है अपने को। एस 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 बनने के लिए बी सी और क्यू आर इक्वल चाहिए पूरा। कहां इक्वल है कैसे कैसे? क्यों तो ये अपना गिवन, इसको हटा देते हैं, ये टू प्रूफ भी हटा देते हैं, ठीक है। ये सिमिलर करना है, मतलब हमारा टारगेट ये एंगल है, देख लो वो एंगल इक्वल आना है। क्यों? दो साइड का रेशियो इक्वल है मेरे पास, ये दो साइड के रेशियो इक्वल है। एसएएस सब में पढ़ा था, एसएएस में क्या होता था, दो साइड के रेशियो इक्वल होना चाहिए और बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को, तो बस ये एंगल चाहिए। तो इसमें नीचे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, एडी के बराबर आप नीचे बढ़ा लो। तो ड्रॉ एडी इक्वल टू यहां पर एबीसीडीई, समझा? हमने एडी के इक्वल डी बनाया कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्ट एडी इक्वल टू डीई और बढ़ा दिए, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी बना लीजिए आप, और PM इक्वल टू MS। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये बड़े ट्रायंगल को देखो, यहां पर ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है, उन दोनों को सिमिलर किया जाएगा। कैसे? तो इस तीन रेशियो को यूज करेंगे हम। कैसे यूज करेंगे देखो, तो AB को हम EC के इक्वल दिखा देंगे, कैसे? कॉन्गुरेंसी से। AB को हम किसके इक्वल दिखा देंगे? EC के। तो ए बी बदल जाएगा ईसी, देखो यहीं से पूरा प्लानिंग है। ए बी को हम ईसी बनाना बना लेंगे, इक्वल लाके कॉन्गुरेंट कर देंगे इन दोनों ट्रायंगल को। साइड इक्वल चाहिए तो क्या करोगे, कॉन्गुरेंट ही करते हो, इक्वल चाहिए रेशियो नहीं, क्योंकि ए बी हटा के ईसी डालना है। अच्छा, उसी तरह पी क्यू इक्वल टू किसके बना लेंगे हम? आर एस। तो मतलब यहां पर चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा बताइए? ईसी बाई आर एस। तो एक साइड मिल गया, समझ रहा मेरा टारगेट क्या है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या बनाना? सिमिलर। क्यों बनाना? सिमिलर बनाएंगे तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, आधा आधा, आधा भी नहीं है, इसको वन टू मान लो, एंगल वन और एंगल टू इक्वल आएगा। फिर सिमिलरली इधर वाला भी हम इक्वल लिख के पूरा इक्वल हो जाएगा मेरा। मेरा टारगेट सबको समझ में आ रहा है, हमको क्या इक्वल लाना है? एंगल ए इक्वल लाना है एंगल पी के। क्यों लाना है? एसएएस लगाने के लिए। कैसे लगेगा? ये दो साइड पहले से इक्वल दिया है, ये एंगल आएगा एसएएस से सिमिलर हो जाएगा। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया इक्वल इक्वल इसके, और इन दोनों को कॉन्गुरेंट करेंगे, ये दोनों को हम कॉन्गुरेंट करेंगे। बड़े आराम से होगा, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे कॉन्गुरेंट कॉन्गुरेंट होगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। फिर हम चेंज कर देंगे वहां पर, सिमिलरली यहां लिख देंगे दिस इक्वल टू दिस, फिर ये भी चेंज। अच्छा, अब देखो एसी कहां है? एसी, एसी तो काम में आएगा, आएगा एसी पी आर काम में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलर करने के लिए क्या होना चाहिए? साइड का रेशियो होना चाहिए ना, समझ रहा है? यहां डायग्राम बना के दिखाएं क्या? तो पहला ट्रायंगल है आपका ए ई सी, ये वाला पूरा, और दूसरा ट्रायंगल है पी एस आर। देखो तो हमने एक साइड ला लिया, क्या ला लिया? ई सी और पी एस। ए सी और पी आर पहले से दिया, अब सुनो ए डी हमको नहीं चलेगा, हमको पूरा चाहिए तो भी हो जाएगा। देखो ये दोनों तो इक्वल ही है, क्या कर दो इसको? डबल कर दो बस, इसको क्या कर दो अपने मन से टू से मल्टीप्लाई। अब सोचो एडी का डबल बोलेंगे तो क्या लिख दोगे तुम? ए, और इसका डबल बोलेंगे तो क्या लिख दोगे? पी एस। यानी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के तीनों साइड क्या हो गए? इक्वल। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस आर, कौन से रूल से? एस एस एस। उससे फायदा ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इसका नाम हमने वन टू दिया है। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू सिमिलरिटी से, सीपीएसटी भी बोलते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार अब इधर का भी नाम दे दो थ्री और फोर, एंगल थ्री भी किसके इक्वल आ जाएगा? फोर के। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इधर कंस्ट्रक्शन करते ऐसे तो आ सकता था ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो एंगल वन प्लस थ्री
वन प्लस थ्री इक्वल हो जाएगा टू प्लस फोर के, यानी एंगल ए इक्वल टू किसके, बस काम हो गया। अब ये दो लाइन छाप लो यहाँ पे, कौन सा दो लाइन, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये देखो एक एंगल दो साइड, तो ट्रायंगल सिमिलर कौन सा, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर बाई एस ए एस, डन। अभी हमने आधा से किया है, आधा पीछे का बाकी है, क्या बाकी है बताओ, ए बी को ई सी के इक्वल करना बाकी है और पी क्यू को आर एस के इक्वल करना बाकी है, बस कुछ कर लेते हैं, कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें, समझ में आ गया ये डायग्राम, चलिए तो करते हैं। उसके लिए इन दोनों को बस कॉन्ग्रुएंट करना है, तो चलो करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ई सी डी, कौन कौन इक्वल लिखना है बताइए, ए डी इक्वल टू डी ई और बी डी इक्वल टू डी सी, और ये एंगल, एंगल का नाम ए डी बी इक्वल टू ई डी सी। तो हम आधा सवाल पहले ही बना लिए थे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हो जाएगा आपको गिवन, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्गुरेंट होगा किसके, ई सी डी के बाई एस ए एस। फिर कॉन्गुरेंट क्यों किया था हमने, इसको इक्वल आने के लिए, किसको, ए बी इक्वल टू ई सी सी पी सी टी। चलो ये हो गया, ये मिटा दे, आप डायग्राम तो समझ ही गया आपको। अब लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली यहां पर करो मत, डायरेक्ट लिख दो सिमिलरली, कौन सा पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम इज कॉन्गुरेंट पी क्यू एम तो एस आर एम, ये भी कॉन्गुरेंट हो जाएगा, तो कौन किसके इक्वल, पी क्यू इक्वल टू आर एस, बस सवाल खत्म। उसके बाद आप ये लाइन छापना, ठीक है देखो, उसके बाद ये लाइन छापना आप गिवन बोल के, और इसमें पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड पी क्यू, कहा है वैल्यू, ये क्या रखा है भाई, ए बी का वैल्यू डालिए, ए बी की जगह क्या डालिए ई सी, अच्छा और पी क्यू की जगह क्या डालिए आर एस, और अपने मन से दोनों को ट्वाइस नहीं कर सकते तो हाफ हाफ लिख दो यार, तो किसी को ट्वाइस में दिक्कत है, किसी को ट्वाइस में दिक्कत है तो अपने मन से ए डी को क्या बोल दो, हाफ ऑफ ए, क्यों ये आधा आधा इक्वल है कि नहीं है, ऐसा लिख दो, हाफ हाफ काट भी लेंगे फिर, हाफ ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ पी एम, नहीं सॉरी सॉरी, हाफ ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ पी एस होगा, हाफ ऑफ कट जाएगा, तीनों साइड का रेशियो इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर फिर इक्वल। बोलो ये भारी क्यों लगता है तुम लोग, ये बता दो मेरे को, हाँ वैसे बता सकते हैं, बता दें ये ठीक है, देखो इसमें ये लाइन ही पूरी कहानी के जिम्मेदार रखता है, हम तुमको यही चीज हम बार बार सिखाते हैं कि कुछ ऐसा याद रखो जो हमको इजी रहे पेपर में, अब हमको इसमें कुछ याद नहीं रखना, हमको याद रखना है जो गिवन है उससे सवाल बनता है, प्लान यहीं से सब कुछ हुआ है, ए बी को क्या बना लेना है ई सी, क्या भी हम सिखा रहे थे यहाँ पे इसी लाइन से पूरा बना दिए थे, पी क्यू को क्या बना लेना है आर एस, क्यों बनाना है ये भी सिखा हमने कि ये, और ये को हमको क्या बनाना है सिमिलर, देखो तो ए सी पी आर काम आ रहा है, आ रहा है, इसको हम इसको ये बना लिए, इसको ये बना लिए, ये भी काम आ जाएगा, इसको हम इसके बराबर कंस्ट्रक्शन में बना के जानबूझ के रखे ताकि ये बड़ा हो जाए, समझ रहा है, कंस्ट्रक्शन में हम इक्वल क्यों लिए थे, और सोचो तो ये क्यों इक्वल लिए थे, ये और ये इक्वल लेंगे तभी तो हम ए डी को बना सकते हैं क्या, ए हाफ बोल के या डबल बोल के, नहीं अगर हम इक्वल बनाते तो बना सकते थे क्या तुम, नहीं। फिर पी एम को हम क्या बना सकते हैं, पी एस, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बस हो गया, ये सिमिलर करना अपना टारगेट था, ये बड़ा वाला इधर साइड का सिमिलर जैसे हो गया हो तो ये टुकड़ा इक्वल हो गया, फिर अदर साइड भी इक्वल, फिर पूरा इक्वल, ऐसे ऐसे सिमिलर, हमको ये बड़ा वाला सिमिलर करना है, समझ रहा है ना, ए बी सी पी क्यू आर, वो ए बी सी पी क्यू आर करने के लिए एंगल ए और पी हमको टारगेट है, वो आ जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दो साइड है, बीच का एंगल चाहिए, तो वो बीच के एंगल के लिए हम लोग इतना पापड़ बनाए, समझ में आ गया सबको, क्लियर आया, बताओ रे, अच्छा सवाल है ये कुल मिला के।